बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब व्यूअर्स? एक नया दिन, नए ब्लॉग के साथ मैं और फाहम एक बार फिर हाजिर हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि मैंने फाहम को अभी हम नाश्ता आज हमने नाश्ते में आज हमने खाया है ऑमलेट, मिक्स ऑमलेट और पराठे मज़ेदार किस्म के। तो हम आज आपको बताएंगे कि मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद, आज जो है वो नाश्ता करने के फौरन बाद मैं ऊपर आ गया फाहम को कमरे में लेके। इसको फाहम को सिंधी की तैयारी करवानी थी, कि सिंधी हमारी खुद भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी कोई, मेरी या आप लोगों की कोई वो ज़बान तो है नहीं, ये उर्दू है हमारी तो बेसिकली जो ज़बान है। तो सिंधी हमें, मुझे भी जितनी है तो मैंने इसे करा दी है, सिंधी की तैयारी मैंने इसे पूरी करा दी है। अब मैं इसे कराऊंगा सोशल स्टडीज़ की तैयारी। तो फाहम इस वक्त क्या कहेंगे? फाहम आपने क्या सोचा है? आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत पहले से सोशल स्टडीज़ की? हाँ यार, तो मैंने टीचर ने करवाया, टीचर लर्न का तो देती थी और करवाया, मैंने करा भी था। तो चलें व्यूअर्स, मैं फाहम को थोड़ा बस तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसे तैयारी करवाता हूँ, फिर आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हिना फ़रज़ व्लॉग्स। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ व्लॉग शुरू करने में मुझे हो गई है देर, लंच का टाइम है, तो चलें डायरेक्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं ज़रा स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है चरसी कढ़ाई, तो चलें डायरेक्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये देख सकते हैं फारे जो हैं यहाँ पे अम्मी का मोबाइल लेके आई हुई हैं, और ये मिनाहिल क्या कर रही हैं? मिनाहिल पी रही हैं, और ये कढ़ाई में ऑयल है, ऑयल डाल दिए। कितना ऑयल डालना? एक कप ऑयल। ये ऑयल है, और ये रहा, ठीक है। चार टमाटर उबाल के और इसके छिलके उतार लिए हैं। ये हरी मिर्च है, इनको हमने कट कर लिया दरमियान से। ये 5 से 6 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। रफली चॉप्ड अनियन, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 4 टमाटरों की हमने प्यूरी बनाई। चिकन कितनी है? चिकन है 2 kg, 2 किलो चिकन। 2 किलो चिकन, और ये हम बना रहे हैं आज चरसी कढ़ाई। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल में प्याज, लहसुन अदरक डाल के अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट करना है। पहले प्याज और लहसुन अदरक डाला था, 2 मिनट के बाद इसमें हमने 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चें काट के डालनी है, और इसको भी अच्छी तरह भून लेना जब तक ये प्रॉपर मसाले की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। इसको हमने अच्छी तरह से पकानी है, प्रॉपर शेप में आ गया अब। लेकिन ये बहुत छीनते इस वक्त तोड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये छीनते जो है आप छींटों से बच सकें। अब ज़रा जब इसमें ऑयल अलग हो जाएगा, ये देखें थोड़ी देर में होना शुरू हो गया। इसमें इस वक्त अब हम चिकन शामिल कर देंगे। 2 किलो चिकन था हमारा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चरसी कढ़ाई जो है आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। हमने पहली दफा भी बनाई है, पहले भी बनाई हुई है, और ये दोबारा बना रहे हैं, लेकिन रेसिपी पहली दफा डाल रहे हैं। बनाई तो हमने 3-4 दफा है, लेकिन ये आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं
उसमें बुनाई नहीं होती चिकन की? अभी तो डाला है, अभी इसको थोड़ा बुनाई हो रही है, बुनाई नहीं हो रही अभी, हमने इसको डाला है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे डाल दें, उसके बाद हम इसके बनाना शुरू करते हैं। 5 मिनट के बाद जो है इसकी हालत कुछ इस तरह की होगी। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे, वो हस्बे जायका नमक, आपने हस्बे जायका ही शामिल करना है। मैं भी हस्बे जायका शामिल कर दूँ, इसकी साफ साफ हम बुनाई भी करते रहेंगे। बस ये 5 मिनट में ये बन जाएगा, बाकी मसाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च जाएगी, जो ऑथेंटिक रेसिपी है। लेकिन मैं इसमें हल्की सी कुटी हुई मिर्च का भी टच दूंगी थोड़ा। और ये अम्मी जो हैं वापस आते हुए हमारी गली में, हमारी एक को रहती हैं, उनके घर से आते हुए काफ़ी देर बैठ के आई हैं, नाश्ते के बाद से गई थी। गर्मी कैसी है बाहर? हवा तो है मगर गर्मी है। चलो, लेकिन तकरीबन ये चिकन जो है हाफ डन है, हाफ डन हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें, और इसका पानी भी सारा रिलीज हो गया, अब इसमें हमने ये जो 4 टमाटरों की प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे। ये चर्सी कढ़ाई में सारा मसाला जो है और ग्रेवी वो टमाटरों की ही बनती है, और ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ सिंपल से मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें कोई और मसाला भी नहीं जाएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। अब देखें, अब ये प्यूरी डालने के बाद अब हम इसे भुनाई करेंगे अच्छी तरह, जब तक कि ये भुन ना जाए बिल्कुल सही, कि इसका तेल अलग हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर हम इसमें काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च डालेंगे। वो मैं भुनाई करने के बाद आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा। चलें, ये देखें हमारा भुनाई का प्रोसेस जो है वो जारी है। भुनाई इसकी अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इसमें से स्मेल आ गई तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और क्योंकि इसमें कोई गर्म मसाला भी नहीं जा रहा है, तो इसकी भुनाई का जो है ना वो हमें अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखें अच्छी तरह मैं भुनाई करती जा रही हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई में हमें लगेंगे। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। वैसे मैंने बताया ओरिजिनली जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें जाती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइस हो तो ज़रा मज़ा दुबाला हो जाता है। तो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ये कुटी हुई मिर्च डाल दी है इसमें, और दोबारा से भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। और आप लोगों के कमेंट्स, मैंने जैसे कि आपको कहा था, आप अपने कमेंट्स मैं कंजूसी ना किया करें, ताकि मुझे पता चले आपको कैसे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग्स। आजकल थोड़ा बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बाहर आना जाना तो वैसे भी इतना तो रहा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद आपको फिर और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए, अब इसकी भुनाई होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें, ये देखिए भुनाई चिकन की जारी है। ऑयल देखें थोड़ा सा साइडों से अलग होना शुरू हो गया, पता नहीं आप लोगों को सही से नज़र आ रहा है कैमरे में कि नहीं। अब हमने किसी कहाँ ज़रा फ्लेम दिखाएं, फ्लेम हमने हाई रख के इसकी भुनाई कर दी। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है जैसे कि माओं के ही दोबारा से मदर्स के ही हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, क्योंकि जब तक उनके साथ ना बैठे हैं बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं इस तरीके से।
हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर जो है हम कुछ नहीं। तो आप अपनी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो करिएगा। बुनाई साथ साथ चरखी कढ़ाई की जारी है। अब हम इसको हम आपके फाइनल लुक जो है तकरीबन बुनाई होने वाले हैं, मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस, कल है अली और मरियम की बर्थडे, तो कल इंशाल्लाह हम व्लॉग आपको और ज़रा अच्छा करके बनाएंगे, क्योंकि कल है बच्चों की सालगिरह और बच्चे बहुत खुश हैं। देखते हैं कल क्या बनता है खाने में। केक तो आएगा आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, खाने में देखते हैं कल क्या क्या होता है। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी। हाँ था, चले जी। अब देखिए हमारी चिकन जो है तकरीबन भून चुकी है। अब इसमें हम ये हरी मिर्चें जो हमने देखी है डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब। इसमें जो है काली मिर्च जाएगी, इसको मिक्स करके अच्छी तरह घूमते रहना हम अच्छी तरह। और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेन इसको जो ट्विस्ट देगा वो है ये उबले हुए टमाटर। ये हमने बस इसको बिल्कुल फाइनल होने से 5 मिनट पहले अब हम ये इसमें डाल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट फाइनल है चटकी कढ़ाई, आप देख सकते हैं करीब से। वैसे देखने में ही मज़ेदार लग रही है, तो देखते हैं खा के आज। ये वैसे पर चटकी कढ़ाई में हाल पेशावर की डिश है। ये तो मुझे नहीं पता कहाँ की है, बाहर आ रहा हमें अच्छी लगती है तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। अब आप इसकी शक्ल देखें, आपको देखने में ही आ रहा होगा कि ये टेस्टी कितना। ज़रा जूम करके अगर कैमरा मैन आप दिखा दें तो ज़रा अच्छा होगा। ऑयल अलग हो गया और अब हमने आखिरी 5 मिनट में भी इसको हमने अच्छी तरह से भूनते रहना है। 5 मिनट बाद ये जर्सी कढ़ाई हमारी रेसिपी डन हो जाएगी। एंड करते हैं, और मम्मा ने आज चरसी कढ़ाई बनाई थी बहुत ही मज़े की। तो अब हम लोग को यही एंड करते हैं। आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।